अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल समीर खान। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, यानी बर्ड्स के बारे में, यानी जो हवाई का फ्री बर्ड्स 4 आई है इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके फीचर के बारे में जान लेते हैं। इसका ये कि आपको 2 या 3 दिन का बैटरी बैकअप देता है, यानी आप इसको अला तुल यानी इसको यानी जैसे ये वाला जो बॉक्स है आपको, इसका ये है कि आपको 2 या 3 दिन का बैकअप देगा आपको ये वाला बॉक्स। लेकिन जो ये अंदर का एयरबड्स है इसका, ये जो आपको ये मुमकिन मैक्सिमम यानी वीडियो देखते हैं या फिल्म देखते हैं तो मैक्सिमम 10 घंटे का बैकअप देता है ये आपको। और दूसरा इसका यानी आईफोन के लिए बेस्ट है, जैसे यानी आईफोन के लिए आपको पता है कि दूसरे जो यानी बड्स हैं उसको यानी एप्पल यानी कनेक्ट नहीं एप्पल मोबाइल यानी कनेक्ट नहीं कर पाता, यानी जैसे आईफोन है, आईफोन में आप यानी दूसरा कोई यानी ईयरबड्स लेंगे तो कनेक्ट तो हो जाता है, लेकिन यह है कि आपको थर्ड पार्टी ऐप जैसे ईमो व्हाट्सएप इससे बात नहीं कर सकते आप, यानी जैसे बात करेंगे तो डिस्कनेक्ट हो जाता है। और ईमो पे आपको यानी कोई भी कॉल आएगा यानी आप इधर से फोन करेंगे तो आपको यानी कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने यूज किया हूँ इसके 1-2 साल से यूज कर रहा हूँ तो मुझे इसके बारे में पता है। तो यानी आप जब इसको यानी फोन करेंगे तो कोई मसला नहीं आएगा, लेकिन जब भी उधर से फोन आएगा ना आपको दूसरे जो भी यानी थर्ड पार्टी यानी जैसे दूसरा जो इसका बात नहीं कर रहा हूँ यानी जैसे दूसरा यानी आपको यानी जैसे दूसरा कोई ब्लूटूथ लिए हुए उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए ये कि हवाई का एक एयरबड्स लें अच्छा है एप्पल के लिए, और दूसरा ये है कि जो आपको एयरबड यानी एप्पल का जो एयरबड्स होता है वो, लेकिन वो तो आपको पता है कितना महंगा है, वो तो फायदा नहीं है। तो ये अगर आपको गुजारा चलाना है यानी आपको भी यानी एयरबड्स लगाने हैं तो ये है कि ये वाला आप ले सकते हैं, थोड़ा मीडियम, इतना भी सस्ता नहीं है लेकिन ये मीडियम है आपको, तो इसका ये कि आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो इसके बारे में अगर जानते हैं यानी जैसे कोई ईमो पे आप यानी फोन करते हैं इसके बारे में नहीं, यानी जैसे दूसरा जो ब्लूटूथ है तो उस पर जब ईमो फोन करते हैं इधर से तो फोन सही जाएगा, लेकिन जब आप उधर से कोई फोन करेगा ना तो आपके मोबाइल में कनेक्ट हो जाएगा, तो इसको बार बार जाके ऊपर से कनेक्ट करना पड़ता है। तो इसका मैंने इससे पहले मैं एक लिया था, कोई आइडिया नहीं है लेकिन कोई दूसरा ब्लूटूथ था, तो उसका मैंने इसमें क्या बोलते हैं एयरबड था उसका ये मैंने यूज किया, तो उसमें एक किसी का फोन आता था ना तो फोन डिस्कनेक्ट हो जाता था, तो फिर आवाज ही नहीं आता था मुझे बोलते उसमें, तो मुझे बहुत परेशानी होती थी इस चीज का, तो मैं ऊपर जाके एप्पल के जो ऊपर से जाके स्लाइड करके फिर ब्लूटूथ कनेक्ट करता तब फिर बाद में बात होती थी। ये जब भी कोई फोन आता था तब भी ये कहानी है, लेकिन अगर आम रेगुलर जो नंबर होता है पर्सनल नंबर उस पर कोई फोन आता तो कोई मसला नहीं है। तो इसका ये कि व्हाट्सएप पे और ईमो पे ये मसला है उसका कि यानी फोन नहीं आता। और इसका ये है कि आपको व्हाट्सएप पे आप फोन करेंगे या फोन उधर से आएगा, या ईमो पे आप फोन करेंगे या फोन उधर से आएगा, तो इसका ये है कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, यानी आपको कोई मसला नहीं है। आप इसको ऐसे निकालेंगे और कान में जब ऐसे लगाएंगे आप, यानी जैसे ये मैं लगाता हूँ आपको, देखें ये जैसे मैं कान में लगाया आपको तो ये मेरे मोबाइल में टी से मैसेज आया, तो यानी इसका ये है कि यानी मुझे कनेक्ट हो गया इसके बारे में, यानी मुझे कनेक्ट हो जाएगा तो मैसेज आएगा टी से, यानी आपको मालूम चल जाएगा यानी ये कनेक्ट हो गया। और दूसरा ये कि और इसका नॉइस कैंसिलेशन भी है, यानी जैसे आप इसको ऐसे लगाएंगे कि बाहर का जो साउंड है एकदम जीरो हो जाएगा, आपको एहसास नहीं होगा बाहर कोई बोल रहा है। आप जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको तो मुझे इतना मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ, लेकिन ये कि अंदर से ही इसका पूरा आवाज जो बाहर का साउंड है ना पूरा साउंड यानी खत्म कर दिया, यानी बहुत अच्छा लगता है। यानी जैसे आप लगा के कहीं किसी से बात कर रहे हैं ना तो जो उधर की बात है वही बात आपको क्लियर सुनाई देगा, बाहर का जो साउंड है वो नहीं आता सही से, तो इसका ये बहुत फायदा है। यानी नॉइस कैंसिलेशन जो भी आप एयरबड्स है नॉइस कैंसिलेशन इसका ये फायदा है कि आपको बाहर का जो साउंड है ना इसका मीनिंग यही होता है, जो बाहर का जो साउंड है ना वो नहीं अंदर आने देता, तो आपको क्लियर जो कोई आगे से आदमी बात कर रहा होता है क्लियर बात होती है, तो इसका ये फायदा है। और दूसरा ये कि आपको यानी जैसे इसको ऐसे निकाल के रखूंगा तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, यानी थोड़ा 1 मिनट के लिए रखेगा ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसको पता चल गया कि यानी ये कान से आदमी निकाल चुका है, टेक्नोलॉजी यानी नया टेक्नोलॉजी इसके बारे में आया, तो कान से निकाल आप जैसे ही इसको कान में लगाएं तो कनेक्ट टी से मैसेज आएगा यानी कनेक्ट हो गया। और आप ऐसे यानी कोई फिल्म भी देखते हैं ना, जैसे कोई फिल्म यूट्यूब पे देख रहे हैं आप कोई चीज और देख रहे हैं या जैसे नेटफ्लिक्स पे कोई चीज देख रहे हैं, तो जब आप इसको ऐसे निकाल के रखेंगे तो ये ऑटोमेटिक पॉज हो जाएगा, अगर उधर ही वीडियो रुक जाएगा आपका या कान से अचानक गिर गया तभी वो रुक जाएगा। और इसका ये है कि जब आप इसको ऐसे कान में लगाएंगे तो ऑटोमेटिक इसका यानी जो वीडियो है ना आपका ऑटोमेटिक, आपको दबाने की स्क्रीन पर दबाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगा, उसको मालूम चल जाएगा कि आदमी यानी कान में लगा चुका है,
इसका ये फीचर, क्योंकि मैं इसका यानी आपको मैं सोचा थोड़ा मुझे फायदा है इसके बारे में, यूज करता हूँ तो मुझे यानी इसके बारे में पता है, तो मैं सोचा आपको ही बता दूं कि नहीं अगर आपको ईयरबड्स लेने वाले हैं, अगर एप्पल के लिए, दूसरे मोबाइल के लिए तो आपको पता है एंड्रॉयड के लिए कोई भी आप एप्पल कोई भी यानी ईयरबड्स लेते हैं तो चल जाता है, गुजारा हो जाता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन एप्पल में ऐसा नहीं है, एप्पल में मोबाइल में जो आपको ना ये मसला होता है थोड़ा, जो आईफोन के मोबाइल है इसमें थोड़ा मसले होते हैं, कोई भी यानी थर्ड पार्टी यानी कोई भी थोड़ा लो क्वालिटी का ईयरबड्स जल्दी सपोर्ट नहीं करता। तो इसका ये है कि आपको यानी अच्छा सपोर्ट मिलता है इसका, और आपको चलाने में भी अच्छा लगेगा, और साउंड क्वालिटी भी आपको सही आती है। अगर आप इसके साउंड क्वालिटी की देखें ये, और इसका ग्रिप भी है यानी इसमें तीन, इसका जो ये नीचे वाला जो हिस्सा है ना ये तीन तीन मिलता है अलग से, यानी एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो यानी आप क्या जैसे कान है उसी हिसाब से छोटा बड़ा लगा सकते हैं। तो इसका ये कि जब इसमें आप लगाएंगे तो लगा के यानी बहुत अच्छा है, यानी ग्रिप भी है ऐसी, गिरता नहीं है जैसे, यानी कोई देखे मैं ऐसे हिला रहा हूँ गिरता नहीं है, जल्दी गिरेगा भी नहीं, तो इसका ये फायदा है। और दूसरा इसका ये फीचर है कि यानी आप इसको यानी चार्ज यानी जैसे, और दूसरा ये इसके बाद चार्ज के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। तो जैसे इसको मैं ऐसे खोलूंगा तो देखा इसमें ग्रीन लाइट जला, तो यानी ये इसमें चार्ज फुल है, ठीक है, ये इसका बता रहा है, ये जो बॉक्स है इसके बारे में बता रहा है। तो और इसका बॉक्स जो है ये दो या तीन दिन का चार्ज बैटरी बैकअप देता है इसका, कम से कम दो या तीन दिन का मैक्सिमम देता है ये बैटरी बैकअप। और अगर इसके बारे में बात करते हैं तो जैसे अब इसको ऐसे लगाएंगे ना तो देखें इधर ग्रीन लाइट जला, तो यानी ग्रीन लाइट जला, तो अब ई बॉक्स के बारे में नहीं बता रहा, अब इसके ईयरबड्स जो ये लगाया हो ना इसके बारे में बता रहा है, यानी इसमें भी फुल चार्ज है इसका है। और दूसरा ये इसको भी मैं लगाता हूँ जब ना जैसे ऐसे लगाऊंगा तभी भी ग्रीन लाइट जलेगी, यानी इसमें फुल चार्ज है। अगर येल्लो जलेगा समझे मीडियम चार्ज है, और रेड जलेगा समझे लो चार्ज है। सेम ऐसे बॉक्स का भी यही कहानी है, यानी बॉक्स का भी यही है, यानी आपको ग्रीन जलेगा तो बॉक्स में फुल चार्ज है, और आपको यानी इसमें येल्लो जलेगा थोड़ा येल्लो कलर आता है तो इसका यानी मतलब यानी इसमें मीडियम चार्ज है, और रेड जलेगा समझा यानी इसमें चार्ज नहीं है, खत्म हो गया, यानी आपका जो ये बड्स है इसको चार्ज भी नहीं करेगा वो, इतना ध्यान आप रखिएगा कि जब ये रेड जलेगा तो इसको आप रखेंगे इसमें तो ये चार्ज भी नहीं करता, यानी बॉक्स ऐसे आपको कोई काम का नहीं है, यानी इसमें चार्ज ही नहीं होता, क्योंकि मैंने इसको यूज किया हूं ना दो तीन बार, जब इसमें रेड हो जाएगा तो ये चार्ज होता ही नहीं है। तो इसका ये है कि आप कोई भी आपको, और दूसरा ये कि इसका नया ये है कि सी पोर्ट यानी चार्जर है इसका, तो आपके पास अगर कोई मोबाइल है तो आपको यानी घर में आजकल हर एक घर में सी पोर्ट वाली चार्जर यानी आसानी से मिल जाता है, तो आप इसको कोई भी यानी सैमसंग का मोबाइल आपके पास है कोई भी है तो इसमें आप लगा के यानी रख सकते हैं। और इसके साथ जब लेते हैं आप इसको तो इसमें यानी ऑलरेडी मिलता है, यानी आपको ये जब लेंगे तो इसमें एक केबल मिलता है इसका, सी पोर्ट वाला केबल मिलता है, तो आप कोई भी यानी चार्जर के साथ उसका लगा के तो यूज कर सकते हैं। तो वीडियो में इतना ही है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे कि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।